नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में पूरी डिजीज हम लोग देखने वाले हैं, कंप्लीट डिजीज हम लोग देखेंगे। लगभग लगभग 300 डिजीज देखेंगे जो हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत अधिक जरूरी होती है। और जब भी हम इस डिजीज को पढ़ेंगे, मतलब प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को पढ़ेंगे, तो पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ेंगे। लेकिन इसे पढ़ने के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है या कौन सी बुक्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, रेफरेंस के लिए, टेक्स्ट बुक के लिए। यदि हम जाते हैं होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो होम्योपैथी में आपको कौन सी बुक लेनी है, थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बुक लेनी है, वो पूरा का पूरा मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक। तो यदि हम बात करें प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन या मेडिसिन के लिए जो बुक है, उसमें टेक्स्ट बुक जो होती है या एंड रेफरेंस बुक में आप पहले यूज कर सकते हैं डेविडसन। डेविडसन से अच्छा कोई बुक नहीं है। बहुत सारे, इंडिया की बात करूं, इंडिया में मैक्सिमम जो अच्छे प्रैक्टिशनर होते हैं या अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें डेविडसन पढ़ी होती है। तो आपको डेविडसन की बुक आपको लेनी है, डेविडसन आपके पास होनी ही चाहिए, डेविडसन बुक आपके परचेस करनी ही है आपको, तो डेविडसन आप ले लें। दूसरा, रेफरेंस के रूप में आप हैरिसन की बुक भी यूज कर सकते हैं, हैरिसन का बुक भी अच्छा है, ठीक। अगला आपको एपीआई, ठीक है, एपीआई का बुक भी आता है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। और एक और बुक आता है, टेक्स्ट बुक आता है, गोलवाला बुक आता है या गोलवाला की बुक आती है, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक। तो डेविडसन, हैरिसन, एपीआई, गोलवाला, चार बुक आप यूज कर सकते हैं अपने फाइनल ईयर के लिए, फाइनल ईयर में मेडिसिन को पढ़ने के लिए, डीप नॉलेज लाने के लिए, डेप्थ में जाने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। लेकिन आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बुक डेविडसन है, जो हर स्टूडेंट को लेना ही है। तो डेविडसन को आप ले लें, जो आपको फ्यूचर में अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्लिनिकल नॉलेज को इम्प्रूव करने में, डिजीज के प्रॉपर इंटरप्रिटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिसको डेविडसन आती है, इसका मतलब वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में अच्छी प्रैक्टिस कर पाएगा, पेशेंट को क्योर कर पाएगा, डायग्नोस कर पाएगा। और बिना डेविडसन, आपको डेविडसन नहीं आ रहे, इसका मतलब आपको प्रॉपरली क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं आ रहे। डिजीज समझना है तो डेविडसन ही आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हैरिसन है, एपीआई और गोलवाला भी यूज कर सकते हैं। गोलवाला जो है इंडियन ऑथर है, इसको भी यूज कर सकते हैं, आपके एग्जाम के व्यू से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कई लोग दो बुक लेते हैं, गोलवाला भी ले लें और डेविडसन आप ले लें, दो बुक तो होनी ही चाहिए। आगे बात करेंगे, क्लिनिकली बात करेंगे तो क्लिनिकली दो बुक होती है, पीजे मेहता और हचिनसन। हचिनसन, ठीक है, दो बुक आता है क्लिनिकली, लेकिन बुक होना चाहिए पीजे मेहता, आपको ले ही लेनी चाहिए। जैसे आप फाइनल ईयर में जाते हैं, मेडिसिन स्टार्ट होती है, हचिनसन आपको ले लेनी चाहिए, ठीक है। या जैसे आप की हॉस्पिटल ड्यूटीज चालू होती हैं, तो आपके पास हचिनसन, आपके पास पीजे मेहता नाम का बुक होना चाहिए। हचिनसन ना लेके पीजे मेहता आपको लेना है, पीजे मेहता अच्छी बुक है, पीजे मेहता को ले लें, बहुत ही अच्छी क्लिनिकल बुक है। पूरे क्लिनिकल प्रैक्टिस के पॉइंट्स दिए हैं, क्लिनिकली जो आप टेक्निक यूज करते हैं, आप जो भी प्रोसीजर यूज करते हैं क्लिनिकली, पूरी कंप्लीट दी है, इजी लैंग्वेज में इजीली आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। और दूसरी आती है हचिनसन भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। फिर जाएंगे होम्योपैथिक व्यू से जाते हैं, होम्योपैथिक व्यू से एक वीके चौहान का बुक आता है, जो बहुत सारे बच्चों के पास मैंने देखा है। जनरली मैंने तो इसको नहीं पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इसमें होम्योपैथिक थेरॉस भी दिया है, अकॉर्डिंग टू डिजीज डिजीज भी दी है, और लास्ट में थेरॉस भी उन्होंने बताया हुआ है, तो ये आप ले सकते हैं, ठीक है। होम्योपैथिक व्यू से बात कर रहा हूं मैं। एंड ये ना ले रहे हैं तो एक और बुक आती है होम्योपैथिक की, थेरॉप्स की, लिलियन थल, लिलियन थल का बुक आता है, इससे अच्छा कोई थेरॉप्स बुक नहीं है। तो लिलियन थल का आप बुक ले सकते हैं, कंप्लीट थेरॉप्स है, ऑल डिजीज के थेरापेटिक्स इसमें दिए हैं, लिलियन थल का आप ले सकते हैं, लिलियन थल, ठीक। तो टेक्स्ट बुक के लिए आप डेविडसन ले लें, ठीक है। दूसरा, क्लिनिकल में आप पीजे मेहता ले लें, होम्योपैथी में मेरे अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं लिलियन थल का बुक, ठीक। बाकी ये चौहान का बुक भी अवेलेबल है, क्लिनिकल में हचिनसन भी अवेलेबल है, इसके अलावा टेक्स्ट में हैरिसन, एपीआई और गोलवाला भी अवेलेबल है, जो आप ले सकते हैं। ये बेस्ट बुक्स हैं जिनको आप अपनी स्टडी करके अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको डेविडसन, पीजे मेहता और लिलियन थल तीन बुक लेना चाहिए, जो आपके फ्यूचर में होम्योपैथिक व्यू से भी एंड मॉडर्न व्यू से भी आपको दोनों
कंप्लीट नॉलेज दे देगी। ठीक।